न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एसएसबी सेंटर के पहले भी कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। हाल ही में एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक शख्स बता रहा है कि 13 साल की एक बच्ची है जो कि कोरोना संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन जब से बच्ची अस्पताल में भर्ती है उसे कोई दवा नहीं दी जा रही है। और चौंकाने वाली बात यह है कि बच्ची में कोरोना वायरस संबंधी कोई लक्षण भी नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। वीडियो में बताई गई सभी बातों से अस्पताल अधीक्षक को अवगत करवाया गया और उसकी हकीकत जानी तो अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुशील ने बताया है कि कई रोगियों में कोरोना के संक्रमण दिखाई देते हैं और कई रोगियों में संक्रमण बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं, फिर भी रोगियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद रोगियों को एसएसबी सेंटर न्यू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर उनका उपचार किया जाता है और उन्हें आवश्यक दवाएं दी जाती है। लेकिन वीडियो में बताया गया है कि 13 साल की बच्ची को कोई दवाएं नहीं दी गई हैं। इस मामले पर डॉक्टर सुशील ने स्पष्टीकरण देते हुए बताया है कि बच्चों को कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान दी जाने वाली हाइड्रोक्लोरोफीन नहीं दी जा सकती है। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए दवा प्रतिबंधित है, इसलिए दवा बच्ची को नहीं दी गई है। और विश्व में कोरोना वायरस के उपचार के लिए अभी कोई दवाई नहीं है। जो दवाइयां दी जाती है वे केवल रोगी में कोई और दूसरे विकार उत्पन्न ना हो उसके लिए दी जाती है। कुछ लोग भावना बस ऐसी वीडियो बार बार जारी कर अस्पताल की जो छवि है उसे खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कदम उठाए कर कार्य किया जाए। अब यदि कोई इस तरह के वीडियो वायरल करेगा तो उसके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया जाएगा। वीडियो मैंने भी देखा है, एक 13 साल की बच्ची जिसका ये वीडियो है और उस बच्ची ये कह रही कि मैं जब से भर्ती हूँ मेरे को कोई भी दवाई नहीं दी गई। सबसे पहले जब बच्ची भर्ती हुई थी वो नेगेटिव थी, जब नेगेटिव आया उसके बाद में नेगेटिव में कोई दवाई देते नहीं है, जब पॉजिटिव आया तो उसको पॉजिटिव वार्ड में भर्ती कर दिया, किंतु उसके किसी भी तरह के कोई लक्षण ही नहीं थे। यहाँ तक कि ना उसको जुकाम था, ना खांसी था, ना बुखार था, सिर्फ वो पॉजिटिव आ रहा है। और ये सिर्फ एक ही बच्ची में नहीं हो रहा है, कई पेशेंट में, हम तो खुद ही बोल रहे हैं कि 80% में लक्षण ही नहीं है, मात्र 20% में लक्षण है। जिनमें 20% में लक्षण है उनको पूरी मेडिसिन देते हैं, पर जिनको लक्षण नहीं है उनको सिर्फ हाइड्रोक्लोरोक्वीन देते हैं, हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन वो दवाई चालू करते हैं। चूँकि ये बच्ची छोटी थी 13 साल से, और 16 साल से कम के छोटे बच्चों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन देना अवैध है, मतलब उनको नहीं दे सकते। दूसरी बात अगर मैं कहूँ इसमें, तो वायरस का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता, वायरस तो अपने आप ही ख़त्म होता है, खाली हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं ये ट्रीटमेंट उसको कोई कॉम्प्लिकेशन न हो उसको रोकने के लिए दे रहे हैं, ताकि उसको किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं हो।